कोड ऑफ कंडक्ट हुण लग चुका है, किस तरह दी तैयारियां हुण कीतियां जा रही ने इलेक्शन नूं लैके? इलेक्शन दे विच सब तो पहली गल तो पहले दिन तो ही यह हुंदा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी तरह नाल पालना करवानी हुंदी है। उहदे विच जिहड़े अननेसैसरी पोस्टर्स ने वो उतार दिते जा रहे ने, अज 72 घंटे पूरे होने हैं, सारे उतार दिते जाणगे। वोटिंग मशीनां असीं लगभग 2 महीने पहलां ही उन्हां दी फस्ट लैवल चैकिंग करके साढ़े को सफिशेंट नंबर ऑफ जिहड़ियां EVMs जिस के बैलेटिंग यूनिट BU और कंट्रोल यूनिट CU और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT जिन्हों आप कहने वो सफिशेंट मात्रा के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टैसटिंग करके स्टोर कीती हुई ने। करोना लैके की चैलेंजस तुम्हें लगता है ऐतकी देखने को मिले, जिस तरह बहुत नवे वर्ड करोना काल से भी देखने को मिले, ऐतकी भी इलेक्शन से नवा वर्ड देखने को मिल रहा है कंपेन करफ्यू जो 8 तो लैके 8 बजे तक, किस तरह चैलेंज तुम्हें लगते हैं? 15 तरीक तक जी किसी भी तरह की फिजिकल रैली तो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है, अगे भी रात के 8 बजे तो सुबह के 8 बजे तक जोड़ा है सीधा चोन प्रचार कर रैलियां कर आग्ञा नहीं होगी। ये सारियां समझना चाहिए और सारे इन समझ भी रहे हैं, एक स्पेशल हालात ने। पर रैलियां 15 तरीक तो बाद अलाउ किया जाएगा, प्रवानगियां किस तरह लैन गए या जिन्होंने बूट लगाने प्रवानगियां किस तरह लैन गए? तो एक ऐप बनाई है इन्होंने एनकोर करके हैगी है, एनकोर करके वैबसाइट पर जाके साड़ी ये ऐप हैगी है, इस पर अप्रोच करके CEO की वैबसाइट पर उस पर अप्लाई करेंगे। पंजाब विधानसभा चोणों का ऐलान हो चुके है, 14 फरवरी में जिहड़ियां चोणां होणियां ते 10 मार्च में जिहड़ी है गिणती होनी है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुके आ ते सारे पासे हुण तैयारियां जिहड़ियां शुरू हो गईयां ने। साडे नाल इस समय लुधियाणा दे डिप्टी कमिश्नर ते डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन ऑफिसर वरिंदर कुमार शर्मा जी मौजूद ने, गलबात करदे आ। सर, कोड ऑफ कंडक्ट हुण लग चुके आ, किस तरह दीआं तैयारियां हुण कीतीआं जा रहीआं ने इलैक्शन नूं लै के? इलैक्शन दे विच सब तो पहली गल तो पहले दिन तो ही यह हुंदा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी तरह नाल पालना करवानी हुंदी है। उहदे विच जिहड़े अननेसैसरी पोस्टर्स ने वो उतार दिते जा रहे ने, अज 72 घंटे पूरे होने हैं, सारे उतार दिते जाणगे। दूजी गल हुंदी है कि भी नवे कोई डिवेलपमेंट के काम है जिहड़े वो हुण चालू नहीं किते जाणगे। बाकी तैयारियां दे विच ये हुंदा है कि असी स्टाफ की जिहड़ी ट्रेनिंग करानी हुंदी है, असी स्टाफ दीआं सारीआं लिस्टां बना लीआं, जिहड़ी स्टाफ दीआं असी पूरीआं लिस्टां बना के उहनां दे ऑर्डरस तैयार किते जा रहे हैं। इहनां दीआं जिहड़ीआं ट्रेनिंग्स हैगीआं ने वो संडेज़ नूं होणगीआं 23 तरीक नूं, फिर 30 तरीक नूं जनवरी च, उस तो बाद 6 फरवरी नूं, और जिहड़ी अखीरली जिहड़ी हैगी है वह 13 फरवरी संडे वाले दिन होनी है, और उस दिन पोलिंग पार्टीज़ नूं पोलिंग स्टेशन से तोरिया जाना है। और दूजी अहम जिहड़ी तैयारी हुंदी है वह हुंदी है वोटिंग मशीनां दी। वोटिंग मशीनां असीं लगभग 2 महीने पहलां ही उहनां दी फस्ट लैवल चैकिंग करके साढ़े कोल सफिशेंट नंबर ऑफ जिहड़ियां EVMs जिस के बैलेटिंग यूनिट BU और कंट्रोल यूनिट CU और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT जिन्हों आप कहने वो सफिशेंट मात्रा के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टैसटिंग करके स्टोर कीतियां हुई ने, और साडे कोल कुल जिहड़े हैगे 2965 बूथ रेगुलर ने, 14 ऑगजरी बूथ ने, तो 2979 बूथ साडे हैगे ने, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਤਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਅਹਤਿਆਤ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਪਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, 100% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਔਰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ 51% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 49% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਉਣ,
उत्थे वैक्सीन लवाउण। दूजी गल जिथों तक पोलिंग डे का सवाल है, लोगों की आपसी दूरी और हरेक नूं जिहड़ा हैगा मौके ते दस्ताना ग्लव्स जिन्हों आपां कहिंदे आ उह दित्ता जाएगा, जिहड़े हाथ दे नाल उहने वोट पाउणी है, और सैनिटाइजर इहदा वी प्रबंध होएगा। और असीं उम्मीद करदे हां कि सारे लोग मास्क पहन के ही उत्थे आणगे और इस तरह नाल असीं कोविड तों बचाव कर सकांगे। पोलीटिकल पार्टियां ते वी इलैक्शन कमीशन ने जिम्मेवारी आयद कीती है कि जदों भी कदे रैलियां अलाओ होणगियां तां रैलियां दे दौरान मास्क, सैनिटाइजर ते आपसी दूरी दी जिहड़ी जो सुनिश्चित करनी है, ये उस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी होएगी। सर, जे किसी ने कंप्लेंट करनी हो, जिस तरह कोई वायलेशन करता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी करती हो, बंदा कंप्लेंट किस तरह कर सकता? उहदे चार तरीके ने जी। सब तो पहला तो जिहड़ा तरीका हैगा, सब तो सौखा है, अजकल मोबाइल ऐप है एक सी विजिल, अंग्रेजी का अक्षर है सी लिख के VIGIL, विजिल का मतलब होंदा निगाह रखना। ये ऐप इस तरह की है, जो तुसी अपने फोन च किते इनू डाउनलोड कर लिया, जदों थानू किते कोई वायलेशन हुंदी लगती है, तुसी उहदी मूवी बना के या उहदी फोटो खिंच के या किते कोई पोस्टर नारा लग गया हैगा, वह सारा तुसी अगर कैप्चर करके भेज दिओ, तुहाडा मोबाइल नंबर आपदे आप उस जगह का GPS लोकेशन आपदे आप साडे कोल आ जांदा, समा भी आ जांदा, डेट भी आ जांदी है। इहदा फायदा ये है कि कई बार अगर मान लो किते कोई इलीगल रैली हुई है, तुसी शिकायत करदे हो पॉलिटिकल पार्टी या जिहड़ा संभावी कैंडीडेट आ, वह मुकर जांदा है। ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भी उन्हें वाकई की सी, बट सी विजिल दे अंदर उहदा डेट, टाइम और लोकेशन कैप्चर हो जाती है, उस तों मुनकर नहीं अगला हो सकता। और ECI दी ऐप है, पहला तरीका ये है। दूजा तरीका है, तुसी साडा NGRS पोर्टल हैगा, उस पोर्टल ते जाके वह जिहड़ा साडे CEO पंजाब दी वैबसाइट है, उस ते जाके तुसी उहदा ईमेल ID लै सकदे हो, उत्थे ईमेल करदे हो, वह भी एक प्रूफ रहिंदा वी इन्ने वजे इन्ने मिनट ते शिकायत आई है। तीजा तरीका होर सौखा है, जिस च कि पैसे भी नहीं लगते, 1950 नंबर पर अगर कॉल करते हो, साढ़े ओपरेटर सुन के उस कंप्लेंट नूं लिखते हैं तो संबंधित RO को भेजते हैं। चौथा तो बड़ा रूडीमेंटरी जिहड़ा तरीका है पुराने जमाने का, कि अगर किसी ने कोई शिकायत है, वह फिजिकल रूप से शिकायत लिख के अपने संबंधित RO जिहड़ा रिटर्निंग ऑफिसर है उन्हें दे सकता, उसका भी निपटारा जिहड़ा हैगा किया जाएगा। बट मैं लोगों को कहूँगा कि वह सी विजिल या 1950 का प्रयोग करने ज़्यादा सौखा है। सर, जो उस तो बाद रैलियां 15 तरीक तो बाद अलाउ किया जाएगा, प्रवानगियां किस तरह लैणगे, या जिन्होंने बोर्ड लगाने वो प्रवानगियां किस तरह लैणगे तुहाडे कोल? एक ऐप बनाई है इन्होंने, एनकोर करके हैगी है, एनकोर करके ऑन वैबसाइट पर जाके साडी ये ऐप हैगी है, इस पर अप्रोच करके CEO की वैबसाइट पर उसते अप्लाई करेंगे, ऑटोमैटिकली वो RO को आ जानी है, और उस किसी की डिस्क्रिप्शन भी नहीं रहनी उस, क्योंकि आपदे आप ही वो क्यू जनरेट करता है कि किन्ने बज के किन्ने मिनट से किहड़ी पोलीटिकल पार्टी ने अप्लाई किया। तो मेरी सारे लोगों को अपील है कि एनकोर का प्रयोग कर, उससे जाके अप्लाई कर, RO एक ड्यूटी बाउंड है उसकी मंजूरी देने लिए। सारा कोशिश की है डिजिटलाइज हो जाए, सारा कुछ डिजिटल करने की कोशिश हैगी है, और इलेक्शन कमीशन ने पहले दिनों ही इस प्रति बड़ा जागरूक है। नॉट ओनली दिस, इस बार तो ईवन अगर तुसी फॉर्म भरना वो भी ऑनलाइन भर के उसका प्रिंट आउट लैके साइन करके RO नूं दे सकते हो, जिहड़ा तुसी एफिडेविट बनाना वो भी ऑनलाइन अवेलेबल कराया गया, जिहड़े फॉर्म्स ने वो भी CEO पंजाब या ECI की वैबसाइट पर सारी तरह के फॉर्म ने, जिहड़े नॉमीनेशन फॉर्म्स ने वो भी उत्थों डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये सारा कुछ लोगों के लिए सुखाला बनाने के लिए है। वायलेटर्स जिहड़े ने सर, उन्हां वास्ते की किवें दे एक्शन जिहड़े लए जाणगे जिहड़े वायलेट करनगे कुछ ना? वायलेटर दे लई तां जो स्टैचूटरी एक्शनज हैगे ने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वार्निंग्स भी होंदियां ने, कुछ दिनों का चोण प्रचार से रोक भी लग सकती है, या जे कोई क्रिमिनल इंटेंट हैगा और विदिन IPC अगर कोई इस तरह की धारा है तो उस दे तहत FIR भी दर्ज हो सकती है, उस इलेक्शन लॉ च भी कुछ जुर्माने भी ने, सज़ा भी है, और IPC दे विच भी कुछ हैगा, वो सारा जिहड़ा कानून संगत है वो सारा कुछ उस तरह कानून कार्रवाई। जिहड़ियां फोर्सां सर कदों लुधियाने दे विच डिप्लॉय होणगीआं या किन्नी कु पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है, क्योंकि लुधियाने च पहलां वी बॉम्ब ब्लास्ट करके माहौल जिहड़ा वो थोड़ा तनावपूर्ण है, किन्नी कु पुलिस फोर्स डिप्लॉय की? इस बार असीं 58 जिहड़ियां कंपनीज ने उन्हां दी डिमांड कीती है, कल 3 कंपनी साडे कोल ऑलरेडी 10 तरीक नूं पहुँच गईआं, उन्हां दी ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट करनी चौंकां दे उपर पुलिस ने शुरू करती है। बड़ी जल्दी CP साहब नाल सलाह करके असी फ्लैग मार्च भी उन्हां दा करांगे, बट सफिशेंट नंबर च सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सिज इस वारी आउणगियां, और वी आर फुली गियर्ड अप, और सारा कुछ शांतमई वधिया तरीके नाल कराया जाएगा। बहुत
बहुत धन्यवाद जी। तो इस सन साढ़े नाल लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर श्री वरिंदर कुमार शर्मा जी ने आप गलबात की। उन्होंने कहना कि बहुत शांतिपूर्वक ढंग के नाल ऐतकी इलेक्शन जिहड़े ने लुधियाने मुकम्मल कराए जाएंगे। तो वधेरे अपडेट्स जुड़े रहो लुधियाना तो। सरमजीत सिंह कैमरामैन सुतंत्र ठाड़ू के नाल लुधियाना टाइम्स।